हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको जब FIR दर्ज करानी होती है तो उसके लिए जो लिखित प्रार्थना पत्र देते हैं, जो एप्लीकेशन होती है, उसमें कौन कौन सी बातें होनी चाहिए और क्या क्या आपको दर्ज कराना चाहिए। अक्सर ये होता है कि जब भी कोई घटना हो जाती है तो पीड़ित व्यक्ति या फिर उसका कोई जानकार घटना की जानकारी अपने किसी नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर मौखिक रूप से या फिर लिखित रूप से दे देता है और वो जानकारी पुलिस स्टेशन के इंचार्ज द्वारा अपने रोजनमचे में लिखी जाती है और उसकी एक कॉपी पीड़ित व्यक्ति को दे दी जाती है। इसी को कहा जाता है कि पीड़ित व्यक्ति द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी कि FIR लिखवाई गई है। चलिए जानते हैं कि FIR में कौन कौन सी बातों का होना ज़रूरी होता है और FIR लिखते हुए आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। जानेंगे, शुरू से आखिर तक जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। सबसे पहले जानते हैं कि प्रथम सूचना रिपोर्ट क्या होती है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 की धारा 154 में प्रथम सूचना रिपोर्ट को लिखे जाने का प्रोविज़न दिया गया है। हमारे देश के हर राज्य के, जिले के और या फिर गांव के बने हुए जो थाने हैं, वहां के इंचार्ज की ये ड्यूटी होती है कि अगर कोई भी पीड़ित व्यक्ति या फिर उस व्यक्ति का जानकार, सगा संबंधी, परिवार वाला या कोई मित्र उसकी सूचना पुलिस स्टेशन में मौखिक या फिर लिखित रूप में देता है तो उस सूचना के आधार पर पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना बहुत ज़रूरी होता है और लिखित रिपोर्ट को एक बार सूचना देने वाले व्यक्ति के सामने पढ़कर सुनाना भी ज़रूरी होता है और उस पर सिग्नेचर करवाने ज़रूरी होते हैं। तो ये तो बात हुई कि प्रथम सूचना रिपोर्ट क्या होती है। अब बात करते हैं कि प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी कि FIR को लिखवाने के समय आपको एप्लीकेशन को किस तरह से लिखना चाहिए और किन किन बातों का होना ज़रूरी होता है। अगर आपके साथ कोई ऐसी आपराधिक घटना घट गई है और आप उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके उसको कोर्ट में सज़ा दिलवाना चाहते हैं या फिर उस घटना के दौरान जो आपको नुकसान हुआ है उसका मुआवजा लेना चाहते हैं तो आपको उस व्यक्ति के खिलाफ सबसे पहले पुलिस स्टेशन में जाकर FIR लिखवानी होगी। लेकिन FIR को लिखवाते हुए आपको कुछ पॉइंट्स को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले तो आप उस पुलिस स्टेशन का नाम लिखेंगे अपनी एप्लीकेशन में जिसमें कि आप उस प्रथम सूचना रिपोर्ट की जानकारी दे रहे हैं, यानी कि उस पुलिस स्टेशन का एड्रेस जो कि उस एरिए के नज़दीकी पुलिस स्टेशन होगा। दूसरी बात ये कि जो पीड़ित व्यक्ति है वो अपना नाम और अपने पिता का नाम लिखेगा और उसके बाद वो अपना रेजिडेंशियल प्रूफ अपने पिन नंबर के साथ लिखेगा। उसके बाद उन सभी व्यक्तियों का नाम लिखा जाएगा एड्रेस के साथ जो जो व्यक्ति पीड़ित हैं, अगर एक से ज़्यादा हैं तो। उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन में घटना किस समय घटी थी, किस तारीख को हुई थी और उस दिन कौन सा था ये भी मेंशन करेंगे। फिर घटना घटित होने वाला जो स्थान थी उसकी भी पूरी जानकारी देंगे। उसके बाद अपराध या फिर वो जो घटना कारित करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम अगर आप जानते हैं, उसका एड्रेस वगैरह जानते हैं तो उसकी पूरी जानकारी देंगे और अगर एक से ज़्यादा व्यक्ति थे उस अपराध को करने में तो उन सभी का ब्यौरा आप बारी बारी से पॉइंट वाइज देंगे। घटना या फिर अपराध घटित होने का कारण क्या था, अगर आप उस घटना को होने का कारण जानते हैं कि किस वजह से लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ या फिर जो भी घटना घटी थी वो किस वजह से और किन बातों को लेकर शुरुआत हुई थी उनका भी ब्यौरा देंगे आप। उसके बाद आप इस चीज़ का भी मेंशन करें कि जब घटना घटित हो रही थी तो वहाँ पर कौन कौन से व्यक्ति मौजूद थे। अगर आप उन व्यक्तियों को जानते हैं तो उनका नाम उनके एड्रेस के साथ लिखें। फिर पीड़ित पक्षकार को कितनी चोटें आई हैं और मारपीट के दौरान कितने हथियारों का इस्तेमाल किया गया था, उन सभी हथियारों का वर्णन भी करें। ये कुछ ज़रूरी पॉइंट्स हैं जो कि आपके FIR में ज़रूर मौजूद होने चाहिए, जिसकी ना होने पर आपकी जो FIR है वो अधूरी मानी जाएगी और इम्प्रेसिव भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि FIR के अंदर उन सभी बातों का होना बहुत ज़रूरी होता है जिससे कि ये पता चलता हो कि आपके साथ कोई दुर्घटना हुई है या आपके साथ किसी ने कोई ज्यादती की है, आपराधिक घटना हुई है। फिर उसी के आधार पर जो पुलिस ऑफिसर है उसमें धाराएं लगाता है और जो अपराधी होता है उसको सज़ा देने की कार्यवाही करी जाती है।
यहाँ स्क्रीन पर आपको FIR का एक डेमो दिख रहा होगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको किस तरह से FIR को लिखना चाहिए। जैसे कि आप अपने दाईं तरफ लिखेंगे सेवा में, उसके नीचे थोड़ी जगह छोड़कर आप लिखें श्रीमान थाना प्रभारी निरीक्षक महोदय। उसके नीचे आप ये लिखें कि जिस थाने में सूचना देनी है और उस थाने का पता, एड्रेस वगैरह। ये सब लिखने के बाद आप नीचे लिखें विषय, आप किस वजह से FIR को लिखवा रहे हैं, उस विषय में उसका टाइटल दें एक सिंपल सी लाइन में। उसके बाद उसके नीचे लिखें द्वारा, द्वारा यानी कि किसके द्वारा ये FIR को लिखवाया जा रहा है, उसका नाम, उसका एड्रेस पूरे पते के साथ। ये सारी जानकारी देने के बाद आप नीचे लिखेंगे महोदय। महोदय के बाद आप नीचे से स्टार्ट करें निवेदन है कि, उसके बाद जो भी आपकी शिकायत है, जैसे कि मैंने ऊपर बताया, पॉइंट वाइज आप उसको मेंशन कर सकते हैं। और फिर जब आप पूरी एप्लीकेशन अपनी तैयार कर लेते हैं, तो फिर आप लास्ट में उनसे रिक्वेस्ट करें कि श्रीमान जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इसके संदर्भ में जो मेरी कंप्लेन है उसके लिए FIR को दर्ज किया जाए। उसके बाद आप नीचे अपना नाम लिखिए, एड्रेस लिखिए, अपना पता लिखिए और नीचे डेट लिखिए। उसके बाद आपकी जो FIR है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो कि FIR में कौन कौन सी बातों का होना ज़रूरी है और किस तरह से लिखनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।